हेलो दोस्तों, एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केटी 200 का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका बताएंगे। सही तरीका आपको हम बताएंगे, तो आप स्टार्टिंग से आखिर तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है, आप कहीं से ले लेते हैं सॉफ्टवेयर, सही तरीके से इंस्टॉल करने का आता नहीं है, उसको कैसे इंस्टॉल करना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से आपको आता नहीं है, और कहीं से लेके आप परेशान हो जाते हैं। जहाँ से आप लेते हैं वहाँ से सपोर्ट की उम्मीद ना के बराबर रह जाती है। टूल दे देते हैं, टूल देने के बाद वो सही से आपको सपोर्ट नहीं कर पाते, यहाँ तक आपका सॉफ्टवेयर भी सही तरीके से इंस्टॉल नहीं करते। ठीक है, आपको मैं सही तरीके से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका बता देता हूँ, कैसे इसको इंस्टॉल करना चाहिए। देखो, आपको इसका जो मेन फाइल रहती है वो ऐसी रहती है, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, ये भी मान के चलो इसका मेन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हम इसको ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट, जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाओ। नेक्स्ट दो, ऑटोमेटिक ये मेरा जो ड्राइवर है वो अपलोड हो चुका है, फिनिश। ठीक है, ये तो हालांकि नहीं होएगा, एक हमने ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया है। और दूसरा जो सेटअप है, सेटअप इसको भी हम एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रैक्ट हेयर इधर ही, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे। जैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सही तरीके से करना चाहिए वो आप देख सकते हैं, भी हो गया। अब सेटअप हमारा जो सेटअप है केटी 200 का, वो भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा मैं पॉज कर करके बनाऊंगा। ये हमारा केटी 200 का सेटअप हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी हम करेंगे इसको बंद। ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं इधर केटी 200 की सर्विस आ चुकी है, और सारा अपना अभी नहीं हुआ है। देखो केटी 200 की सर्विस आ चुकी है। देखो ऐसा आपको एक इंटरफेस आएगा, देख सकते हैं मेरा जो सीरियल नंबर है सी, लास्ट का नंबर देख लो C9, ठीक है, लास्ट का नंबर है C9, इसके अंदर भी C9 है, ठीक है, C9 है। ये कंपनी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, चलो मैं वो हम मेल के थ्रू कर लेते हैं। ऐसा आपको इंटरफेस आएगा, केटी सर्विस, केटी 200 की सर्विस का एक एप्लीकेशन ओपन होएगा, तो ऐसा कुछ आएगा आपको। तो देखो इधर इसके अंदर आपको डायग्नोस, रिसेट डिवाइस, डाउनलोड सॉफ्टवेयर, डाउनलोड डायग्राम, ठीक है। अभी मैं करूँगा, आपका सर्वर किधर रहना है, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में आपका सर्वर रहना है, और आपको डाउनलोड, यस, सॉफ्टवेयर डाउनलोड। अभी ये 1 GB के ऊपर नीचे लगभग रहेगा ये, क्योंकि थोड़ा समय लग सकता है। इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, यहाँ तक आने तक मैं स्टॉप करता हूँ, उसके बाद आपको कैसे इसका होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। और वीडियो आपको स्टार्टिंग से आखिर तक देखेंगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा केटी 200 क्या तरीके से सही तरीके से इंस्टॉल करना चाहिए, ठीक है। जब तक आप केटी 200 नहीं लगाएंगे तब तक आपका इंस्टॉल नहीं होने वाला है। केटी 200 लगाना है, पॉजिटिव नहीं देना है, यानी 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं देनी है आपको। और हमारे पास केटी 200 भी अवेलेबल है, हाँ दोस्तों अभी ख़त्म होने वाला ही है, ठीक है। ये तकरीबन 1 GB 1.5 GB के अंदर लगभग आएगा, थोड़ा डाउनलोडिंग होने में समय लग सकता है, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। जहाँ तक आएगा वो वहाँ तक मैं स्टॉप करूँगा, और उसके बाद कैसा इसको इंस्टॉल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, ये पूरा होने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ दोस्तों देखो, ये पूरा जो नीचे जो लाइन थी वो सारा अपना 100% हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, ये डाउनलोड होने के बाद आपको यस करना है, ठीक है, यस करना है। अभी ये जो फाइल अपनी डाउनलोड हुई थी वो ऑटोमेटिक इसका सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा, और इधर आप एक सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, दोबारा एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा इसके साथ। ध्यान आपको ये रखना है, ये आपका जो रहता है वो आपको कनेक्ट करना रहता है, पॉजिटिव नहीं देनी है, ठीक है। ये मेरा एक्सट्रैक्टिंग हो रही है फाइल अंदर से, ठीक है, ऑटोमेटिक सारा कुछ होता है। ये अपनी हो गई, यस एक्सेप्ट टू लाइसेंस एग्रीमेंट, ये सारा कुछ इसका बता रहा है। इजी है, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत करने का काम नहीं है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन करने में बहुत ही इजी रहता है, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ।
और कमेंट्स में आप बताना क्या केस का वीडियो आपको बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी वीडियो बनाना मैं सोच रहा हूँ, तो आप सबकी राय बताइए। तो इस वीडियो के बीच में मैं ये पूछ रहा हूँ, तो मेरे को मालूम होना चाहिए, हाँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं ये मेरा वीडियो स्टार्टिंग से आखिर तक देखते हैं या नहीं देखते हैं बोल के। सारे फिल अपलोड हो रहे हैं। ओके, ये फर्मवेयर अपग्रेडिंग होएगा सक्सेसफुल। अब इसको करेंगे बंद। ठीक है, अपना जो सिस्टम है रिस्टार्ट के लिए मांग रहा है, अभी नो करेंगे। चाहे तो आप रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, अभी हम करेंगे नो। एक बार रिस्टार्ट हो गया, बंद हो गया, ऑन हो जाएगा, अभी मैं करूँगा नो। ठीक है, अभी अपना है जो है KT200 अभी इंस्टॉल हो चुका है, देख सकते हैं। एक KT200 की अपना जो है वो सॉफ्टवेयर आ चुका है, अभी हम करेंगे इसको ओपन, देख सकते हैं। और नेट आपका एकदम सही तरीके से काम करना चाहिए, आपका नेट स्लो है तो ये ओपन नहीं होएगा। ओपन होके इतना ओपन होएगा और बंद हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है इंटरनेट आपका सही तरीके से होना चाहिए, तभी जाके ये ओपन होएगा। ठीक है, देख सकते हैं अभी मेरा अपना ओपन हो चुका है। अभी मेरी इसके अंदर बैटरी लो बता रही है, क्योंकि मैं 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं दिया हूँ। ठीक है, देख सकते हैं बेंच मोड आपका हो गया, सारा कुछ अपना सॉफ्टवेयर आ चुका है। कोई भी अपेक्षा आपको दिखा देता हूँ। सक्सेसफुल अपना जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी इंक्वायरीज है KT200 के रिलेटेड तो अपने से रब्ता कर सकते हैं, बेस्ट प्राइस में बेस्ट क्वालिटी में विथ सपोर्ट के साथ आपको मिल जाएगा। और आपको इधर से बंद नहीं करना है KT200, आपको एग्जिट करना है इधर से। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये केस के ऊपर वीडियो आप चाहते हैं तो हम बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स।